गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 3 का चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन का न्यू टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। प्रीवियस क्लास में इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता चुके हैं। इसमें हम बताए थे ग्रुपिंग करके, यानी रिपीटेड एडिशन करके कैसे हम बनाए। जैसे हम ग्रुप आज बनाते हैं एक फ्लावर का, ठीक है, इसका ग्रुप बना के फिर आपको हम बताएं कि कैसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे बनता है ये। ये फ्लावर का 3 ग्रुप्स है, ठीक है, यानी ईच ग्रुप हैज 3 फ्लावर एंड 3 ग्रुप। एक ग्रुप हम और इसका डेवलप कर देते हैं, यानी 4 ग्रुप कर देते हैं। इस ग्रुप के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, कैसे हम लोग ग्रुप को कन्फर्म करते हैं, कैसे उसको हम फॉर्म करते हैं। तो ये आप देखो फ्लावर का 4 ग्रुप है और ईच प्रत्येक ग्रुप में 3-3 फ्लावर है, ठीक है। मीन्स हम इसको मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3, 3, 3 एंड 3, यानी 4 × 3 यानी 12। लेकिन इसको हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें नंबर ऑफ ग्रुप लिखेंगे। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप, कितने नंबर ऑफ ग्रुप है, 1, 2, 3 एंड 4, नंबर ऑफ ग्रुप हो गया इसका 4। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में कितना नंबर ऑफ फ्लावर है, 3, ठीक है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर इन ऑल, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ऑल, यानी टोटल नंबर फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, 3, 3, 3 एंड 3 यानी 12, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए 12। फिर अब लिखेंगे एडिशन फैक्ट, इसका एडिशन फैक्ट क्या हो जाएगा, एडिशन फैक्ट हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3, यानी इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। ये इसका एडिशन फैक्ट हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखेंगे, जो यही आज का आपका टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। यानी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन फैक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, कि आज का टॉपिक ही है आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। तो कैसे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फाइंड करते हैं ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया दिया। आप किसी भी ग्रुप को लेकर के इसका एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हो। आपके ग्रुप में भी इसी तरह का फिगर है, उससे भी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फाइंड करें। और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में क्या होता है कि जितना ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, यानी जो ग्रुप जितना है उसको हम पहले लिखेंगे। 4 ग्रुप है और इसमें
ईच ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं, थ्री, तो हम थ्री फ्लावर्स यानी थ्री लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आ जाएगा, ट्वेल्व। एडिशन फैक्ट में भी आपका वैल्यू आया ट्वेल्व और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में भी इसका वैल्यू आ गया ट्वेल्व, यानी हम इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन फैक्ट और एडिशन फैक्ट फाइंड करते हैं। और भी ग्रुप बना के आप बना सकते हो। नेक्स्ट और एग्जाम्पल आप ले लो, ग्रुप और आप बनाते हैं। एक बॉल का हम ग्रुप बनाते हैं, फोर बॉल, ये फोर बॉल का एक ग्रुप है। और ये फोर बॉल का दूसरा ग्रुप, वन ग्रुप एंड टू ग्रुप, ठीक। दो ग्रुप बनाए जिसमें प्रत्येक ग्रुप में चार चार बॉल, तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा टू, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ग्रुप कितना है फोर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच ग्रुप फोर, प्रत्येक ग्रुप में कितने बॉल है चार, ग्रुप कितना है टू, फिर हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल, नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल, दोनों ग्रुप मिला के कितना बॉल होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी इस तरह से काउंट करते हैं, यहां एट लिख देंगे। अब लिखेंगे एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट में क्या हो लिखते हैं बताओ, एडिशन में हम क्या करते हैं, एडिशन फैक्ट यानी फोर फोर का ग्रुप, फोर प्लस फोर एट, फिर लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में क्या करते हैं, पहले हम ग्रुप लिखते हैं, कितने ग्रुप हैं टू, उस ग्रुप में कितने बॉल हैं फोर, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो एट आ गया वैल्यू। तो ये एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, ये दोनों आप। अब इसमें आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी फैक्ट को फाइंड करना है, पीडीएफ में भी हम क्वेश्चन ले लिए हैं, उसको आप सॉल्व करो, जो प्रॉब्लम होगा उसको डॉक्टर क्लास में पूछ लो। ओके, थैंक यू।